अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फाई ऑटोमेशन यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू टीए बॉटल सॉफ्टवेयर, इंट्रोडक्शन टू पीएलसी सिम सॉफ्टवेयर, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, हाउ टू ऐड पीएलसी कंट्रोलर, हाउ टू राइट न्यू प्रोजेक्ट एंड हाउ टू स्टार्ट सिमुलेशन। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट I will start TI portal software। असल में ये थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने में, काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप सीमेंस की वेबसाइट पे जाके वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। TI का जो मतलब वो होता है टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन। अच्छा, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं, पहले मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, जो मैंने पहले प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं वो यहाँ पे शो होंगे, और उसके अलावा अगर मैंने कोई न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैंने कोई और वर्जन में सॉफ्टवेयर में, मैंने फ़र्ज़ किया यहाँ पर मैंने वर्जन 15 इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर कोई और वर्जन इस्तेमाल वर्जन 14 या और वर्जन मैंने इस्तेमाल किया होगा, अगर वो प्रोजेक्ट में वर्जन 15 में चलाना चाहूँ तो उसको माइग्रेट करेंगे। और उसके अलावा ये आप उसके वेलकम टूर भी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, आप देखते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट को नेम दे देंगे आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप उसको कमेंट भी दे सकते हैं, यहाँ पे ऑथर का नेम शो रहता है, यहाँ पे वेरिएंट, और यहाँ पे आप उसका पाथ जो भी देना चाहें दे सकते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स से आप जो भी लिखना चाहें, और यहाँ पे क्लिक क्लिक क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे पाथ भी शो कर रही है कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ये बहुत है सॉफ्टवेयर, तकरीबन अभी से 20 GB का ये सॉफ्टवेयर है ऑलमोस्ट, तो इस तरह पर स्टार्ट होने में टाइम लेता है, ये ओपन होने वाला है। अच्छा, अब ये हमारे पास ओपन हो चुके हैं। अच्छा, ये हमारे पास अब ऑप्शन आ चुके हैं कॉन्फ़िगर अ डिवाइस, यानी हम जो डिवाइस ऐड करना चाहते हैं पीएलसी जो ऐड करेंगे वो यहाँ पे क्लिक करने करेंगे। ये अगर हमने पहले से कोई ऐड किया हुआ है, ऐड किया है तो यहाँ पर राइट पीएलसी प्रोग्राम पे जा सकते हैं, अगर एचएमआई कॉन्फ़िगर करने तो यहाँ से कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रोजेक्ट में भी यहाँ से जा सकते हैं। पहले डिवाइस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यहाँ से कॉन्फ़िगर पे गए, यहाँ पे ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डिफरेंट कंट्रोलर्स आ गए। यहाँ पे अब जो टी ए पोर्ट ओवर इन 15 है उसके अंदर आप इन पी एल सीज को प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे शोर कंट्रोलर, अगर आप कंट्रोलर ऐड करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एच एम आई ऐड करना तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एच एम आई के पैनल डिफरेंट हो जाएंगे, और पी सी सिस्टम ऐड करना तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारा कंसर्न कंट्रोलर से है तो कंट्रोलर को क्लिक करते हैं। लेट्स से मैं SM1500 ले लेता हूँ, और इसका मैं कोई भी ले लेता हूँ, ये तीसरे नंबर वाला मैं ले लेता हूँ, 1512C वाला ले लेता हूँ, और इसका जो पहला है कंट्रोलर ये ले लेता हूँ। अब देखें, अब आप यहाँ से देख भी सकते हैं इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, CPU डिस्प्ले, वर्क मेमोरी इसकी कितनी है, कितनी मेगाबाइट है, प्रोफिनेट कंट्रोलर, और ये इसकी आप डिटेल वगैरह पढ़ सकते हैं, कितनी इसकी डिजिटल इनपुट्स हैं, कितनी डिजिटल आउटपुट्स हैं, इसकी सारी डिटेल दी हुई है यहाँ पे। उसके बाद हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, बिल लोड हो रही है हमारा पीएलसी, थोड़े वक्त लेगा। अब हमारे ऐड हो रही है पीएलसी, अब ये पीएलसी ऐड हो गया है।
अब हम प्रोजेक्ट व्यू में आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ से हमें वो दिखा रहा है कि आप पीएलसी का कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं। यहाँ से आप अगर आप प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा प्रोग्राम ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम डिफरेंट इसमें प्रोग्रामिंग डाल सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, इसके इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, तमाम इंस्ट्रक्शंस आ गई इसकी। अच्छा, पहले नंबर पर ये आ गई हैं बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शंस। बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन में डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होती हैं। ये बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं, डिफरेंट हम इनको बाद में देखेंगे वन बाई वन इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद टाइमर आ जाते हैं, फिर काउंटर। ये आप सारे इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं यहाँ से। ये जो मेन इंस्ट्रक्शन है, बेसिक इंस्ट्रक्शन है, वो आप यहाँ से अपने कंप्लीट कर सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन भी है टेक्नोलॉजी में, वो बाद की बात है। अच्छा, अगर आपने यहाँ से प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यहाँ से सिंपली कोई भी चीज़ लेके यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आई 0.0 एड्रेस दे सकते हैं, और यहाँ पे Q0.0 एड्रेस भी दे सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। ये वैसे अब सिंपल दिखाने के लिए था। इसके हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह प्रोग्राम बनाते हैं और किस तरह सिमुलेट करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे। यहाँ से सिमुलेशन जैसे स्टार्ट करेंगे तो वो आपका एक और सॉफ्टवेयर है पीएलसी सिम के नाम से, वो ओपन हो जाएगा। असल में हमारे पास हार्डवेयर हार्ड में नहीं है ना पीएलसी, तो पीएलसी सिम सॉफ्टवेयर है वो हमारा सिमुलेटर है एक, तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। दोनों मेरे पास सेम वर्जन में है। अगर आपके पास इस तरह कोई शेप का आ रही है तो यहाँ पे क्लिक करें आप। ये भी डाउनलोड आप कर सकते हैं सीमा की वेबसाइट से, ये भी वहाँ से मिल जाएगा। ये हमारे पास वर्चुअल पीएलसी है, असल में पीएलसी सिम। इसलिए हम मतलब पहले प्रोजेक्ट ऐड बनाते हैं। प्रोजेक्ट ऐड करना पड़ता है, आप इसका जो भी नाम रखना चाहें, कमांड्स देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास प्रोजेक्ट ऐड हो चुका है। यहाँ उसने ऑटोमेटिकली एक पीएलसी ले लिया है खुद ब खुद, लेकिन जब हम बना रहे हैं प्रोग्राम तो उस वक्त सिमुलेशन जैसे स्टार्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद हमारी टीआई पोर्टल वाली जो पीएलसी होगा ना, वो उसको उठा लेगा, जो ये वाली पीएलसी भी इसको वो उठा लेगा। अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देना था। यहाँ से हम इसकी सिम टेबल ऑन करते होते हैं। सिम टेबल पे जाके यहाँ पे आप उसकी जो इनपुट यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे देने पड़ते हैं, इसका एड्रेस यहाँ पे देना पड़ता है। I0.0 फर्ज किया, यहाँ पे देते हैं उसका एड्रेस और उसकी वैल्यू यहाँ से चेंज करते हैं बिट उसकी। तो यहाँ से हम उसकी बिट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, मतलब जो हार्ड में पी से हम उसको वर्चुअली यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास क्योंकि हार्ड में नहीं है, तो यहाँ से हम उसकी इनपुट ऑन ऑफ करा सकते हैं। ये था हमारा आज के लेक्चर। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।